ओके साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूट्यूब। मैं हूँ राम प्रसाद, उत्तर प्रदेश मऊ रतनपुरा ब्लॉक में इस समय मौजूद है। यहाँ देखे हैं तो ई रिक्शा अधिकतर ई रिक्शा रतनपुरा या शहरों में चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, आप एक ई रिक्शा चालक है उनसे बातों की लाइव बातों की रिक्शा कब लिखे हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? बेरोजगारी को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि अब नौकरियाँ आने वाली हैं या निकलने वाली हैं। अच्छा भैया, आपने तो पहले आप नौकरी का तलाश किए हैं, कई आपने भर्ती में गए थे, कई कंपटीशन में गए थे, कई इंटरव्यू में गए थे, तो क्या नहीं लगता है कि हम अपनी मेहनत जो कर रहे हैं तो मेहनत के हिसाब से कोई फल दे सकता है? हम जितना मेहनत करते हैं तो नहीं लगता है कि मेहनत के हिसाब से हमें कोई फल दे सकता है। हाँ, हमें लगा ये कि जो अपने पिछले डिफेंस का जो कोचिंग भी रोजगार करेंगे उसमें लगता है कि बेटर रहेगा। नौकरी के लिए कहीं जाते हैं तो अप्लाई भी हो जाता है तो उसमें कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपये दे, वो 5 लाख रुपये देने के लिए सक्षम नहीं क्योंकि मेरे पास जो पैसा था मैंने पढ़ने में इन्वेस्ट कर दी। आप भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने जितने मेरा सामर्थ था, मेरे परिवार का सामर्थ या जो भी कमाते थे अपने रोजी रोटी में लगा देते थे, अब मैंने जितना भी मेरा पैसा था सब नौकरी में लगा दिया। नौकरी की खोज आपने 10 से 15 साल तक करते रहे लेकिन इनको नौकरी नहीं मिला, अब मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा। यही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ इस बात को कि नौकरी नहीं मिलेगा। आपने ले लिए हैं ई रिक्शा, अब ई रिक्शा लिए हैं तो इनसे पूछेंगे भैया नौकरी ठीक है कि ई रिक्शा वाला ठीक है? और आपके पास कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये की आपके पास इनकम बची हुई है, उससे आप आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। 50 रुपये कैश काउंटर दीजिए और आप माइनस करें, 5 से 7 रुपये आप कमाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। अगर जनरली आप देखा जाए तो आप मान लीजिए दिन भर घूम रहे हैं, घूमने से बेटर है कि आप इसे ई रिक्शा लीजिए और इससे घूमते रहिए और आपके दिन में शाम तक 5 से 7 सौ रुपये कितना कमा लेगा संजीव भैया यदि ई रिक्शा से? जैसे तो हम सुबह आराम से 1000 रुपये कमा लेने वाले हैं। एक दिन सच्चाई बात, आप भाई एक मेहनत करिए। भाई साहब कह रहे हैं कि ई रिक्शा से मैंने 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, अगर यही बॉम्बे चले जाते दिल्ली चले जाते तो शायद 1000 के हिसाब से आप वीडियो स्क्रीन में जोड़ लेंगे कितना महीने का होगा। आप भाई साहब दिल्ली जाते, बॉम्बे जाते, कलकत्ता जाते और जगह जाते तो शायद 1000 इनके पर डे का तनख्वाह नहीं मिलता। आप कह रहे हैं कि मैंने इस ई रिक्शा से अपने परिवार में रह के अपने घर रह। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे यकीन नहीं था और मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे कितना भी मुझे पैसा मिल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा था, आपको भी याद होगा। पहली बात यहाँ रतनपुरा के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं यहाँ पे, तो कोई CRP लेने के लिए और लाइक्स लोग नेट पर डाल देते हैं कि मैं यहाँ का काम करा दिया, बाद में आप वहाँ पर जाकर देखेंगे वहाँ कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं है कि रतनपुरा राजगढ़ बस्ती है जो रेलवे क्रॉसिंग के दक्षिण रतनपुरा मार्केट से 25 किलोमीटर राजगढ़ बस्ती है, वहाँ पे 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। और आज युवा है, युवाओं को क्या बताना चाहते हैं? युवाओं को नौकरी का भरोसा बच्चे नौकरी का भरोसा आप लोग नौकरी ना मिली गाड़ी ले लेना। और दूसरी बात कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आप सक्षम होइए, अगर आप अपने पैरों पर सक्षम होते हैं तो हमें लगता है कि अपने परिवार को ऊपर तक ले जाने के लिए सक्षम होते हैं। अच्छा भैया, पहले आप मेहनत करते रहते, मेहनत करते आए हैं दूसरे सरकार में कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, इस सरकार में भी आप इतना मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला, अब नौकरी से अच्छा ही है? नौकरी से अच्छा भैया के कारण है। ये नहीं मुझे कि मेरा कमवा खोले तो हमको कमवा का पान 200 रुपये पर दिया, अब जितनी करो तो उतर दे जेब में रहता है। गरम रहता है, मतलब अगर गरम उतना नहीं है कि जितना दे। गरम इतने लागे जैसे अब लोग के उतरा दिला भैया पैसा ले, तो 60% 700 रुपये ही नहीं देता है कि साहब कमवा के लिए पैसा ना मिले, आगे पास घूमने के लिए। दुख का है वो सामने। चलिए, मेरे वीडियो स्क्रीन का दिखाने का मतलब रील
रीजन है कि ऐसे युवाओं को, ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को, युवाओं को, यंगों को ये भाई साहब का एक तो क्लिप दिखाए हैं कि इन्होंने नौकरी ढूंढते रहे 15-20 साल तक, अभी तक इनको नौकरी नहीं मिला। अब ये इनके दिमाग में, इनके मन में, इनके जेहन में ऐसा कब आ गया ई रिक्शा लिया, और ई रिक्शा लिए हैं तो आपको वीडियो स्क्रीन पर बताएं कि मेरा पर डे का कमाई कितना है। 1000 रुपए आप कमा सकते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप हेल्थी और ईमानदार हैं, मान लीजिए आप ले लिए ऑटो और 700 रुपये का काम किया, आप सोचेंगे उनको 200-400 रुपये सी सी मार रहे हैं, तभी मैं ना कमा पाई। चलिए ऐसे ऐसे खबरों के लिए आप बने रहें ग्रामीण न्यूज़ के साथ। फोटो एक फोटो वाला को